पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला पर मनसा के जवाहर के गांव के पास फायरिंग की गई थी। घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना में मूसेवाला के साथ रहे दो अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर काले रंग की कार से आए थे। बताया ये भी जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकी मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली थी। बता दें कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद से ये अब खबर बहुत बड़ी बन चुकी है और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी, जिसके बाद आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। विजय सिंगला ने मूसेवाला को मनसा सीट से 63,323 वोटों से हराया था। मनसा अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत राय ने कहा है कि तीन लोगों को अस्पताल लाया गया है, जिनमें से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को आगे के इलाज के लिए उच्च संस्थान में रेफर किया गया है। 17 जून 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला मनसा जिले के मूसावाला गाँव के रहने वाले थे। मूसेवाला की लाखों में फैन फॉलोइंग है और वो अपने गैंगस्टर रैप के लिए काफी लोकप्रिय थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।